बार बार कहा जाता है नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए, वो तो होगा नहीं। हम मांग जरूर करेंगे लेकिन वो होगा नहीं, और इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर नैतिकता होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गोदी में नहीं बिठाए रखते, अगर नैतिकता होती तो अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाकर नहीं रखते, अगर नैतिकता होती तो प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार में नहीं जाते, अगर नैतिकता होती तो इतनी निर्णायक नैतिक हार के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते।